नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका स्वागत है। आज हम ड्राई मसाला टिंडा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 200 ग्राम टिंडे यूज़ करे हैं। 200 ग्राम टिंडों को हम पील करके इनको बारीक चॉप करेंगे और साथ में दो हरी मिर्चियाँ लिए, इसे लंबा पतला कट करेंगे। इसके साथ ही अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कुकिंग ऑयल जो भी आप खाना चाहते हैं, चना मसाला जिस भी कंपनी का आप खाते हैं, और साथ में चाट मसाला लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चॉप कर लेते हैं सब्जी। इसको इस तरह से ऊपर का अपर पार्ट हटाना है हमें, इसको ज़्यादा पीलिंग नहीं करनी है। तो इस तरह से इसे कंप्लीट क्लीन करके, इनको पहले ही धो लिया है पानी में, तो पानी में डिप करिए इस तरह से, और 1, 2, 3, 4 इस तरह के पतले पतले स्लाइसेस हम कट कर लेंगे। एक प्याज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इसे लंबा और मोटा काटना है हमें टिंडों की शेप के साइज़ का। ये एडिशनल है, आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो अनियन आप रहने दीजिए। इसे इसके टेस्ट में ऐसा कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक बड़े पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करते हैं। इस गरम तेल के अंदर टिंडे फ्राई होने के लिए डाल दीजिए इस तरह से, और हमारे लंबे पतले पके हुए हरी मिर्च और प्याज हम इसमें फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। अब हम इन्हें सिर्फ धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक सिम कुक करेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। इसको बीच में इस तरह से टॉस करते रहिए ताकि ये सामान ऊपर नीचे हो जाए इसका। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड करके फिर से इसे कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों जब उठा के हम देखेंगे, 15 मिनट तक हम सिम कुक करेंगे इसे, तो ये इस तरह से हल्के हल्के ब्राउनिश से और कुक हुए हुए दिखेंगे। अब इसे एक बड़े बोल के अंदर निकाल लीजिए। अब हम इसमें मसालों की डायरेक्ट मिक्सिंग करेंगे। इस तरह से निकालने के बाद में आप इसके अंदर 2 छोटी चम्मच मलाई, 1 छोटी चम्मच दही, और इसके साथ ही जो भी आप चना मसाला खाते हैं वो वाला 1/2 चम्मच, ये अमचूर पाउडर हम स्वाद अनुसार डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी काफ़ी सॉल्ट रहता है, अमचूर रहता है, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, और साथ ही साथ ड्राई पुदीना पाउडर है, मिंट पाउडर है, 1/4 चम्मच ये डालेंगे। और अब हम इसे इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिला के आप इसे थोड़ी देर ढक के रख दें ताकि जो मसालों की खुशबू है वो इसमें अंदर बंद रहे। स्वाद अनुसार अब इसके अंदर आप अमचूर पाउडर मिलाइए चखने के बाद में, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच, और इसके साथ ही आप इसमें चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सॉल्टी बना रही हूँ मैं इसे, 1/4 चम्मच। इसी वक्त इसमें ड्राई हींग, और अब फिर से हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से, और अब ये रेडी हो गया है सर्विंग बाउल में आने के लिए। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। बोल में निकालने के बाद में इस पे जो हमें गार्निशिंग करनी है, इसके ऊपर चना मसाला, ड्राई पुदीना पाउडर इस तरह से, और थोड़ी सी मलाई आप गार्निशिंग के लिए स्प्रेड करें। दोस्तों ये हमारा ड्राई मसाला टिंडा रेडी है।
इसको बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे स्टीम कुक कर रहे होते हैं तो इसको हमें बार बार चलाना होता है। 15 मिनट लगते हैं इसे कुक होने में। थोड़ा थोड़ा ब्राउनिश शेड इसमें आने लग जाता है, तब समझ जाइए कि ये कुक हो चुका है। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ में और एक नए अनुभव के साथ में। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये एकदम फ्री है, और मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।